और तेरी टायर की हालत देख भाई। अच्छा अब तेरी दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अभी साइड पे जाने के लिए हम रेडी थे, पर अभी ऑर्डर आया नहीं है साइड पे जाने के लिए। कल दोस्तों शाम के टाइम ना बारिश हो गई थी, आपने इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा होगा। अभी सारी गाड़ियां इधर खड़ी हुई हैं, यहाँ वेट में है, ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा। रात गाड़ियां चल नहीं पाई थी, जो ग्रेडर का काम हुआ साइड पे। देखो कांवड़ जा रही है, कांवड़ वाले भैया जा रहे हैं, कांवड़ ले ले। वो कांवड़ होता है कि कांवर होता है? कांवड़ होता है। भांग का पेड़ साथ में जा रहा है भाई, कोई दिक्कत ना रहे रास्ते में। जीएसबी की गाड़ी कहाँ जाएगी यार, बीएससी की? अच्छा रास्ते पे डालेंगे क्या? कीचड़ कीचड़ हो रहा है। यही तो पंगा होता है थोड़ा लंबी गाड़ियों भैया, ऐसी रोकती दुनिया। थोड़ा पीछे करोगे तो तुम कहोगे सबको निकल जाने दूँ, तब ना रुकता कोई भी। देख अब ने पीछे कर ली तो अब ये रुके, ये भी नहीं रुके, कोई ना रुके बेचारे के लिए कोई भी। कती वहां से निकली डिवाइडर के पास। अरे ये तो अपने दोस्त लग रहा है धीरज, है ना? गलत आ गए क्या? नहीं उधर से रंग से जाना पड़ता। अच्छा उधर जाओगे तुम? चलो और जान दो आगे, और आगे कर लेते। बस इतनी लंबी गाड़ी को मोड़ना कौन सा आसान है दादा? फुल काट दो, यानी उस तरफ से ट्रैफिक रोकवा दिए। जान दो। हाँ सही बात। और तेरी टायर की हालत देख भाई, टायर कितना दबा हुआ पड़ा है। और यानी उस तरफ ट्रैफिक रुकवा देना। चलो ये गाड़ी मुड़ जाएगी एक ही बार में। चचा ने गाड़ी गलत मोड़ी थी, यहाँ से तो मुड़ गई ना एक बार। चलो जाओ जाओ। ग्रेडर ला के ना यार कमरे पे खड़ा कर दिया यार, पता नहीं कब साइड पे जाने का प्रोग्राम आएगा। ध्यान पर उस्ताद भी आ गए। ध्यान पर उस्ताद भंडारा वहाँ पे बोलो के लिए है, कल हम चले गए थे ऐसे ही तो उन्होंने बोल दिया आ जाओ भाई साहब खाना खा लो नाश्ता। चाहे जाके तुम वहाँ 500 करे हो, पर भोले का प्रसाद की यार बात नहीं। मैं खाली आलू पूड़ी हो ना तब भी बहुत बढ़िया लगे यार। गुरुद्वारे में चले जाओ लंगर खाओ, उसका टेस्ट ही यार निराला है भाई यार। गुरुद्वारे अगर रोटी दाल खाओ कितनी स्वाद लगे, बड़ी स्वाद लगती है। और वो ऐसी दाल बन नहीं पाती घर पे, कितने लाख रुपए कर ली उड़ा दो। और चने की दाल होती है वो इसलाना मन चलाओ एक महीना रोज, और 12 बजे 1 बजे खाना चालू हो जाओगे तो ठीक है। भाई यार उन्हें गुरुद्वारे सामने काम चल रहा हो तो डेली लिखवा जाते आ जाओ ताजा जाओ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:15 और अभी जा रहे हैं हम साइड, ग्रेटर यहाँ खड़ा कर दिया तो सही रहे। बाइक लेके जाओगे आप? तो बाहर निकालूं एक बार मशीन में। ये आरीवाल के भी दोस्तों पिलर खड़े हो गए हैं, चार इस तरफ हैं। ये देखो जीएसबी ग्रेडिंग हो रही है, वो जो जीएसबी सुबह ट्रक में आई थी ना वो यहाँ पे आई थी। ये है आरीवाल 63 चैनल का और ये चल रही है अपनी एक्सकवेटर, इसको बराबर कर रही है। यहाँ पे टीला सा लग रहा था ताकि यहाँ पे लेवल उठ जाए। ये सोनू उस्ताद चला रहे हैं, ये इधर अपनी भारद्वाज खड़ी है, एक भंडारा वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे मंदिर है जो जहाँ जलेबी बनती है उसके पास में। आवाज़ आ रही होगी आपको डीजे की। ये चल रही है जेसीबी जो बैड बनाया था कल, ऊपर जियो ग्रेड लगने के बाद ये ऊपर डल गई उसकी मिट्टी। यहाँ पे जियो ग्रेड लग रही है, इसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए देखो ऐसे करके गाड़ी डंप हो रही है यहाँ पर। भंडारा तो खा रहा होगा? खा सच बता, सच बता, कौन कौन सच बता।
बार अगर दोस्तों डायरेक्ट ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना तो ये बेल्टें जो है ना लूज हो जाती हैं। ये बेल्टों को टाइट ही रखना होता है, पैनल को ना रोक के ही रखती हैं बेल्टें ताकि पैनल में खिंचाव बना रहे। कल वाली से गीली है ना अरविंद, ये बारिश हो गई थी कल दोस्तों पूरी इंडिया में। फाइनली गाइस, तो गाइस ये चल रहा था भंडारा यहाँ पे सबके लिए। मंदिर भाई साहब इस टाइम पर ना सांस ना मिलेगी। अच्छा, एक महीना पूरे सावन में देख लो भाई साहब। सुबह से इच्छा थी बोले के प्रसाद की, मिल ही गया। परोठे बनाने होते आप परोठे बनाने होते कि जाओ ले आप मक्खन ले आओ, ज्ञानी दही ज्ञानी चाय भी लेके जाओ। नीचे बाइक पे चला बाइक तक पहुंचा था, खाना लिया साइड के लिए। खाना तो आज यहीं का लिखा था। आज गोविंद आया मशीन चलाने, नीलेश नहीं आया। शायद नीलेश रात में आया होगा, पर रात में तो डंपिंग हुई नहीं थी। क्या माल था भंडारे में है? बता दे। गर्लफ्रेंड दी है? पक्का देख लिया बेटा, शादी नहीं होगी, वीडियो में बता रहा है ना। कोई बात नहीं, शादी तो पहले से तय है। ये आ गए हमारे अनिल उस्ताद ग्रेटर लेके। आराम उस्ताद, ठीक हो? बड़ा देखते एकदम से भाग गए थे ना, ध्यान ही ना पड़ा तो। आप खड़े थे यहाँ पे, मैंने हॉर्न मारे इतने, कानों में लीड लगा लेते आप। एक साइड की डालनी पड़ती है क्योंकि फोन नहीं सुनते फिर। हाँ, लोवर में वाइब्रेशन का पता नहीं लगता ना। ये देखो एक ये इसका फोन है। अनिल उस्ताद जा रहे हैं ये ए टू साइड में काम करने, उधर थोड़ी सी और डलेगी यहाँ तक मिट्टी, बस फिर बेड अपना हो जाएगा ग्रेडिंग करने लायक। पहले दोस्तों रोड जो ना उस तरफ से चलता था जिधर एक्सावेटर खड़ी है, पुराना रोड, ये नया बनाया सर्विस रोड इस तरफ से। ये गाड़ी आ रही है अपनी। अभी दोस्तों यहाँ पड़ने लगी है डंपिंग इस तरफ। जैक नहीं उठ पा रहा पूरा, आगे लेके ना थोड़ी सी और उठा के और बैक गियर डाल के झटका मारी उठ जाएगा। पूरी गाड़ी भरी हुई है यार ऊपर तक, जल्दी में डालने वाले क्या? नहीं, थोड़ा सा पीछे को करिए, ज्यादा उठा के नहीं, प्रेशर कम है। अच्छा, प्रेशर से क्या मतलब होगा यार उठने का? प्रेशर तो तब चाहिए ना गियर एक बार डालने के लिए पीटी होगा। टेढ़ा हो रहा है थोड़ा, इसलिए लोड ले रहा है उठने में। बस थोड़ा बराबर करके दोस्तों ना, तो आगे लेके फिर पीछे को बैक गियर डाल के झटका मारा जाए थोड़ा सा उठा के। जैक पे लोड पड़ता है, मतलब ग्रिप बन जाती है उसकी साइडों में, ऐसे ऐसे करके टेढ़ा होगा तो आगे लेके पीछे झटका मारो। उठा दो पहले, उठा गियर लगा रहना दो। क्या चक्कर है ना, मिट्टी गीली है, पीछे वाली मिट्टी गिर गई, आगे वाली अब गिरने में दिक्कत कर रही है। झटका मारो पीछे, झटका झटका, क्लच दबाते तो डाउन हो यार। ऐसे तो नहीं होता क्लच दबाते डाउन है उस्ताद, ऐसा तो नहीं होना चाहिए है ना, यही तो दिक्कत हो रही है इसमें। क्लच दाब के तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। उठ रहा अब, उठ गया उस्ताद, उठ गया। यही चीज होती है यार।
क्या उस्ताद, यही ना थोड़ी रुकावट सी बन जाती है क्या जी? अच्छा अब तेरी जैसे ना ऐसे पूरा उठ के फंस जाता ना, जैक कहीं रुकता नहीं है तो ऐसे बैक गियर डाल के ना झटका मार के उठ जाता है, थोड़ा सा उसे चार इतना सा ऊपर को होगा ना बस फिर उठ जाएगा। डंपिंग तो पूरी उधर फैला दी है जेसीबी ने, थोड़ी सी ये मिट्टी और रह गई है जियो गेट ढकने के लिए, ये और ढक जाए ना फिर बनाते हैं इसको। दोबारा उठाया उस्ताद ने तो आराम से उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पता क्या होता है गीली मिट्टी में ना पीछे मिट्टी गिर जाती है, आगे मिट्टी रह जाती है, फिर दिक्कत होती है। जेसीबी आ गई उस डंपिंग को भी आगे करने के लिए, हो जाएगा तो हो जाएगा काम। यार ये भारत बेंच इसका सिलेंसर बहुत नीचे को दिया है, अरे उन्होंने तो तभी इसलिए करी थी, उनका जैक नहीं उठ रहा था, तुम यहाँ पे खाली करो। और ले लो आगे इधर कर देंगे ना फिर दोस्तों, ज्यादा दिक्कत होगी मिट्टी इधर करने में, बीच बीच में हो जाएगी ना उसको भी दिक्कत नहीं होगी, फिर दोनों तरफ बराबर आ जाएगी। बस 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 भाई साहब बस 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 भारत बेंच नहीं है, महिंद्रा से, महिंद्रा ऐसी 2018 मॉडल है शायद, ये 2019 मॉडल है। लो गियर लगा दिया। ये आ रही है गाइस टाटा, राम राम निवास है अभी यहाँ पे ना गाइस। मिट्टी कम पड़गी, मिट्टी कम क्या पड़गी, मिट्टी थोड़ी दूर गिरी है ना, लोडर से धक्का मारने में दिक्कत होगी इसको, और वहाँ तक अभी मिट्टी फैलानी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडर से सही करवा के और इसमें बैक बैक ना गाड़ी एक यहाँ डलवा देते हैं जो कि ये धक जाए। और वहाँ तक अभी मिट्टी फैलानी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडर से सही करवा के और इसमें बैक बैक ना गाड़ी एक यहाँ डलवा देते हैं जो कि ये धक जाए। गाड़ी बुलाई मैंने, इधर को बुला ले, इधर को सीधी कर ले, सीधी कर ले, सीधी कर ले, इधर कर, इधर कर, जान दे जान दे, बस सही है ना, गिरवा दे गिरा दे। अरे जियो ग्रेड ढक जाएगी थोड़ी आगे तक, बहुत खुश हो रहा है, ट्रैक्टर है गाड़ी उठा रहे हो आगे से, डाला बजाना बहुत आता भाई। कुछ आए ना आए डाला बजाना बहुत परफेक्टली जानते हैं हमारे ड्राइवर्स। तो गाइस कम पड़ेगी ना तो फिर और डल जाएगी मिट्टी, फिलहाल के लिए मैं ग्रेडिंग कर देता हूँ इसको, पूरा काम हो गया ये, और थोड़ी सी और मिट्टी डलेगी वहां पे पड़ ही जाएगी। अरविंद जा रहे हैं अभी उधर सेट लेवल उठवाने, तो इसलिए हम कोई कार्य भार संभालना पड़ रहा है। तो ये डॉगी है बेचारा, मैं ग्रेडर आगे कर रहा हूँ तो आगे आगे चल रहा, इधर को नहीं आ रहा, अब मैं ग्रेडर इसलिए चला रहा कि बाहर को ना कूद जाए, इधर चल रहा है ट्रैफिक यार। भाग, भाग, भाग जा,
अब गया इधर को बैठ कर दिया पूरा ग्रेडिंग। अभी इसमें और मिट्टी डल सकती है क्योंकि जो नीचे वाले पैनल है ना वहाँ पे, यहाँ की तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो वहाँ से वो नीचे वाले पैनल है ना उसके बराबर अभी मिट्टी हुई नहीं है। अगर कोई देख के डलवाएगा तो डलेगी, नहीं तो फिर जब पैनल लगेंगे तब वो बोलेंगे फिर डलेंगे, बाकी इस पर रोलिंग होने के बाद ही चलेगी जो भी डलेगी मिट्टी। क्योंकि नीचे वाले पैनल के बराबर जब मिट्टी होगी ना तभी इस पर एक्शन हो पाएगा। बाकी इधर डंपिंग चली रही है और यहाँ से प्लेट मैंने उधर को मार दिया था, बाकी ये प्लेट थोड़ा इधर को मार देते थोड़ा सफाई से हो जाएगी, अच्छा सा लगेगा। आज यहाँ पे बनाया जा रहा है रैंप क्योंकि वहाँ से गाड़ी उतर के आ रही है तो बहुत लंबा पड़ रहा है, ये यहाँ तक तो कवर हो जाएगा उस वाले रैंप से, ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे डलवाने के लिए यहाँ रैंप बन जाएगा ना तो सही रहेगा। इधर रोलिंग चल रही है और इधर डंपिंग टूट रही है, ये जो हो रही है ये बेड कुंडियों के बराबर बनाना है कैम्बर में जियो ग्रेड के लिए। ये बेड ऐसी बनाना था रफली, इधर को भी कैमरा करके बना सकते थे। तो गाइस अब इस वाले बेड को ग्रेडिंग करने लगे हैं, थोड़ा कर भी दिया था आधा पर, आधा अभी डंपिंग हो रही थी ना आधे में तो इसलिए रुक गए थे। सनसेट देखो कितना कमाल आ रहा है। बेड तो ये ग्रेडिंग कर दिया था मैंने पर इसमें बेबी रोलर चलना था, बेबी रोलर ऑपरेटर चले गए हैं प्लांट पे, ड्यूटी उनकी ऑफ हो गई थी तो भाई इसलिए सुबह बनाएंगे बेड को। तो अभी चल रहे हैं रूम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में, तब तक लीजिए इन, वंदे मातरम, बाय।